रामचरितमानस की एक चौपाई है, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। इट इज योर डेस्टिनी विच टेक्स यू देयर, इट्स नॉट हु यू गोज देयर। किसी विषय पर या प्रश्न के उत्तर में बोलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और चुप रहने के लिए विवेक की। कब बोलना है, कितना बोलना है और कहां नहीं बोलना है, ये बहुत मायने रखता है। और ये बात सटीक बैठती है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे राजनेता पर जो राजनीति के मैदान में अच्छे अच्छे विपक्षी नेताओं का अपनी वाक्पटुता से मुंह बंद कराने में माहिर है। ये ना किसी तारीफ के मोहताज है, ना ही किसी पहचान के। हम बात कर रहे हैं देश की राष्ट्रीय नीति, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों और विशेष रूप से भाजपा के वैचारिक पहलुओं पर बेबाकी से राय रखने वाले सुधांशु त्रिवेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। लखनऊ शहर से निकलकर देश के अहम मुद्दों पर बात करने वाले सुधांशु त्रिवेदी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं, इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। एनएमएफ न्यूज की संवाददाता सपना दानू से बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने अपने इंजीनियरिंग की डिग्री से लेकर राजनीतिक सफर तक पर तमाम दिलचस्प बातें कही। आपने क्या पहले से सोच के रखा था कि मुझे एक राजनेता बनना है और देश की सेवा करनी है? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने जो पढ़ाई की है इंजीनियरिंग कॉलेज से की है, उसके बाद आपने राजनीति में कदम रखा है, ये इंजीनियरिंग और राजनीति में क्या कनेक्शन रहा है? देखिए, क्या होता है कि जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति हो जिसने, मुझे लगता है 30-35 साल की भी जिसकी आयु होगी, अगर अपना रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करेगा तो ये ज़रूर पाएगा कि ऐसा नहीं कि उसने जो सोचा था सब कुछ उसी हिसाब से हुआ है। उसने कुछ सोचा था, फिर परिस्थितियों ने उसमें वेरिएशन किया, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा वेरिएशन हो जाता, किसी के में कम। अब अगर एकदम हम प्रारंभिक में देखें तो मेरे मन में एक ज़माने में इच्छा थी कि साइंटिस्ट बन जाए, तो प्योर साइंस और फंडामेंटल साइंस में मेरे रुचि थी, पर उस ज़माने में था भाई इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो एक अचीवमेंट है। हम लोगों के ज़माने में इंजीनियरिंग में सिलेक्शन बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और जब मतलब ये तो ग्लोबलाइजेशन से पहले की बात है, तो मतलब वो पक्की नौकरी की गारंटी मान ली जाती थी। तो जब इंजीनियरिंग में आ गए तब ये हुआ कि आईएएस बन लिया जाए, उसकी तैयारी कर ली जाए। फिर उसके बाद वो कार्य, जब मैं पास आउट हुआ तो मेरी एज ही इतनी कम थी कि उस साल आईएएस अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो सोचा कि सरकारी कोई टेम्परेरी नौकरी कर ली जाए, प्राइवेट की नौकरी करेंगे तो आईएएस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। उसमें फिर विश्वविद्यालय में गए, सोचा लेक्चररशिप करेंगे, तैयारी अधिक करने का मौका मिलेगा। फिर उससे सामाजिक क्षेत्रों में धीरे धीरे परिस्थितियां बनती चली गई, और हाँ, राजनीति और समाज, धर्म, इतिहास, इन सब में रुचि मेरी बहुत थी। मगर ऐसा कहना कि कोई कैरियर किसी ने सोचा तो वो तो मैं मानता हूँ, 100 में 99 लोगों के साथ जानते क्या होता है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। इट इज योर डेस्टिनी which takes you there, it's not who you goes there. अब ये ठीक है, जहाँ पे आपको मौका मिले वहाँ आपको पूरी कर्मठता से प्रयास करना चाहिए, पर मौका क्या मिलेगा ये सब कुछ आपके द्वारा ही तय नहीं होता, इसीलिए निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है। लखनऊ में जन्मे सुधांशु त्रिवेदी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी करने के बाद राजनीति में कैसे आए, इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के जीवन से जुड़ी और भी कई बातें जान लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी राजनीति में छोटी उम्र में आने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ये सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार बने थे। 35 साल की उम्र में इन्हें किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया। साल 2014 के आम चुनाव में सुधांशु त्रिवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। इस दौरान वो मीडिया और कम्युनिकेशन की मुख्य टीम का हिस्सा थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें राजस्थान का उत्तरदायित्व दिया गया था। साल 2019 में ही सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सीट के लिए उत्तर प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए थे। बचपन से ही सुधांशु त्रिवेदी को घर पर ऐसा माहौल मिला जो इन्हें राजनीति की तरफ खींच ले आया। माता और पिता का प्रवक्ता होना और कई महान साहित्यकारों का इनके जीवन में होना भी इनके राजनीतिक करियर में सबसे अहम हिस्सा रहा, और वो कैसे, सुनिए। आप लखनऊ से हैं,
और कैसा आपका परिवेश रहा, किस माहौल में आप पले बड़े और वहाँ से निकलकर राजनीतिक सफर आपने तय किया? देखिए, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। मेरे पिताजी एक कॉलेज में हिस्ट्री के लेक्चरर थे, मेरी माताजी भी हिंदी की लेक्चरर थीं और एक गर्ल्स कॉलेज से प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई। तो बचपन से ही हमारे यहाँ साहित्यकारों का भी आना जाना था। मुझे संयोग से बचपन में बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलने का मौका मिला जब बहुत बच्चा था। अमृतलाल नागर, वियोगी हरी, शिवमंगल सिंह सुमन, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा जी, उनके साथ हम लोगों की फ़ोटो भी है जब बहुत बच्चे थे तब से। तो थोड़ा सा साहित्य, भाषा, इन सब चीज़ों के बारे में रुचि, इतिहास संस्कृति के बारे में रुचि, साइंस और इंजीनियरिंग का विद्यार्थी होने बहुत वो थोड़ी रुचि रही, तो उसको पढ़ते रहे। फिर जो थोड़ा 10वीं 12वीं में आए तो संघ के कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया। जब इंजीनियरिंग में गए तो नियमित शाखाधारी स्वयंसेवक बन गए। फिर बीटेक के दौरान संघ के कई दायित्वों का निर्वाह भी किया और इस प्रकार से सामाजिक जीवन में थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो गई।